अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। तो आज की वीडियो का आगाज जो है वो मैंने किया है, और अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये है कि आज की जो वीडियो है उसका जो मोटिव है वो ये है कि काफ़ी टाइम हो गया कि हमने जो है कोई वीडियो वगैरह जो है अपलोड नहीं की थी। काफ़ी लोग जो है वो मैसेज वगैरह भी कर रहे थे कि आपको वीडियोज़ नहीं आ रही, कहाँ आप गायब है, काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं डाली है। और सेकंड चीज़ ये थी कि कुछ मसरूफियात इस तरह की आ जाती है जिसकी वजह से जो है वीडियो में लेट हो जाता है। और इस दफ़ा जो है प्रायोरिटी जो थी वो ये थी कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और उनको जो है वो तैयारी वगैरह करवानी थी। तो ये है, इस वजह से जो है बिल्कुल मौका ही नहीं लग रहा था कि कोई वीडियो या कोई क्लिप्स वगैरह शेयर कर सके आपके साथ। तो आज जो है इंशाल्लाह ताला अब से जो है व्लॉग रेगुलर बेसिस पे आएंगे और जो है हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी अपनी लाइफ की जैसे पहले शेयर किया करते थे। तो आज की जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम तैयारी करने लगे हैं कहीं जाने की, और हम कहाँ जा रहे हैं वो आपके साथ आगे मैं शेयर करूँगी। तो ये है कि उसके लिए जो है हमें काफ़ी सारी तैयारियाँ करनी है। एक तो ये है कि बच्चों की पैकिंग वगैरह करनी है, अपने लिए कुछ पैकिंग वगैरह करनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बच्चे आके स्कूल से जो है वो सो चुके हैं क्योंकि जो है पेपर वगैरह का सिलसिला जैसे मैंने आपको बताया कि मई में होने वाले हैं, तो जो है उनको आराम वगैरह भी करना होता है, फिर पढ़ाई करनी होती है, साथ में जो है ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ गई है तो वो भी करेंगे। तो इसके लिए वो लोग सो चुके हैं। जैसे ही वो सो के उठते हैं तो मैं आपसे मिलती हूँ और फिर अपनी जो तैयारियाँ हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हम जाने का हमारे। तो भाई आप यहाँ बैठे हुए हो। ओहो, अभी तुम व्लॉगिंग कर रही हो? बिल्कुल, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, ड्राइंग रूम में कितनी देर देखा मैंने, सब कुछ किया लेकिन आप मुझे कहीं मिले ही नहीं। मैंने कहा पता नहीं कहाँ जाके बैठ गए हो, कहाँ चले बैठा हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ का अंदाजा ही नहीं था ना। अमूमन ड्राइंग रूम में हो तो आप। मैं यार यहाँ बैठ गया ना तो पाबंदी इतने यहाँ बैठने में नहीं, पाबंदी नहीं है। मैं बैठा हुआ हूं तो मतलब ड्राइंग रूम में बैठूंगा, यहाँ नहीं बैठ सकता। नहीं, पाबंदी ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे ये था कि मैं जो है सोच रही थी कि कल हमने जो जाना है ना इसकी पैकिंग कर लूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूँ और क्या नहीं, तो मैंने कहा आपसे थोड़ा मशवरा ले लूँ। मतलब एक जोड़ी ले लो बस, तो 10 दिन के लिए तो जा नहीं रहे। वो तो सही है। ओहो, ये तो मैंने उनको बताया ही नहीं व्यूअर्स को कि हम जाने का वाले, तो हम जाने का वाले बताओ वहाँ ही जाने वाले। बहरहाल इनको जो है वो थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही जाएगा कि हम जाने का वाले हैं, तो हम खुद अपने मुंह से बता देते हैं कि हम जो है जाने वाले हैं फार्म हाउस। तो वहाँ पे हमारा जो है वो नाइट स्टे होगा। तो ये है कि बच्चों के साथ जाते हैं तो चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए होती हैं, उनके लिए कपड़े वगैरह सब लेके जाना होता है सहूलियात के लिए। अगर हम दोनों अकेले जाने वाले होते तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। भाई मैं अकेला अगर जाने वाला होता तो चड्डी बढ़िया लेता, निकल जाता। चुप कर बे कुत्ते, इतना सिंपल सी पैकिंग की भी जरूरत नहीं है, पैंट की जेब में डाल के निकल लेते हैं इतना सिंपल है। लेकिन अब यह है कि बच्चों के साथ जो है तरह तरह की चीज़ें लेके जानी पड़ती है। ऑब्वियसली स्विमिंग के लिए उनके लिए जो है वो ट्यूब्स वगैरह रखनी होगी, यानी एक एक चीज़ है ना, छोटी से बड़ी चीज़ आपको सारी बच्चों के साथ एहतियात के तौर पर रखनी पड़ती है। तो यार मुझे पहले बताओ कि बच्चों के लिए कितने कपड़े लेने हैं, क्या लेने हैं। मैंने जो है थोड़े बहुत निकाल के रखे हुए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, और ज़रा इनको चेक करें, देख रहे हो इसको क्या कर रहा है? ये खाली ट्यूब पहन के घूम रहा है, और कब से ही घूम रहा है। अच्छा इसका पता है क्या, मुझे कहता है मम्मा मम्मा ये बताओ कि इससे ना स्विमिंग कैसे करते हैं, ये एक्चुअली जा रहा है फर्स्ट टाइम इस तरह से। तो मैंने कहा ऐसा करना, आप स्विमिंग पूल में आप जाओगे ना इसको ऐसे ही पहन के तो ये खुद फूल जाएगी। तो बोलते हैं मैं ऐसे ही जाऊँगा, खुद फूल जाएगी। कोई याद कर रहा है आपको? याद कर रहा है, बड़े याद करने वाले इसको कहूँ मत याद करे, तकलीफ हो रही है ये तो है, लेकिन ये बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ना कि कोई याद कर रहा होता है। बहरहाल आप थोड़ा सा पानी पी लो, उससे भी हिचकियाँ बंद हो जाती है। या बोलते कोई ज़्यादा आपको, जैसे आपको हो कि यही मुझे याद कर रहा है, उसके नाम लेने से भी हिचकियाँ बंद हो जाती है, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। कुछ नहीं है ऐसा कहते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई कर लो। उसको सीधा सीधा याद करने वाले को मना कर दो ना, मत याद करे उसको, हमें कैसे पता कौन याद कर रहा है और हम मना कर रहे हैं उसको। बहरहाल ये बेचारा अपनी मस्ती में ही लगा हुआ है। अली सामान रेडी हो करके लिए जाने के लिए? रेडी नहीं हो? नहीं मैं ऐसे पूछ रही हूँ, एक्साइटेड हो, जाना है कल फार्म हाउस, स्विमिंग करोगे कि नहीं? स्विमिंग नहीं करोगे? स्विमिंग नहीं करोगे तो भी ये ट्यूब पहन के क्यों घूम रहे हो? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है इसलिए पहनी हुई है।
मतलब क्या स्विमिंग नहीं करने वाले हो भाई? देख लो, अलीजा मान ने तो मना कर दिया है, स्विमिंग नहीं करने वाला है, मतलब ये ट्यूब जो है अलीजा पहनेगा। सही है अलीजा मान, क्या नहीं ट्यूब भी नहीं दोगे, स्विमिंग भी नहीं करोगे दादागिरी है? दादागिरी चल अब जो है मैं कपड़े फटाफट लेकर आती हूँ और पैकिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है। तो बस जो है वो उसका फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे सारे, और अब बैग लेती हूँ और सारे कपड़े इसके अंदर डालती हूँ। चलो चलो ये भी डालो वो भी डालो, मेरा कल एक रात की तो स्टे करने जा नहीं रहे हम लोग, 10-12 दिन के लिए जा रहे। अभी तक डाला किधर है ये देखो, खाली बैग है, खाली बैग है, शुरू किया। तो 10-12 बैग तुमने और भी तो बना के रखे हुए, वो भी तो दिखाओ। वो किधर बनाया है भाई, अपनी तरफ से एक एक छोड़ी में डाल रही हूँ, फकत एक एक छोड़ी। उसके ऊपर भी इतना टाइम पास कर रहे हो ना, कब से काम वाम करे चले जा रहे हो, ये कितने कपड़े लेके जा रही हो, कितने कपड़े लेके जा रही हो, कितना बैग लेके जा रही हो, सब एक ही छोड़ी ली है। ये क्या कर रहा है, ये किधर पंचर वाला बना हुआ है, ये बन गया पंचर वाला। किसमें हवा भर रहे हो? किसी चीज में भी नहीं, ये चाह रहा है खुद में हवा भरूं ताकि मैं थोड़ा सा मोटा हो जाऊं, मतलब सब करे जा रहे। चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, तो कुछ मंगाना है तो बताओ, लेता हुआ फिर। नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ आने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी जो है वो रेडी है। बाकी बच्चों के लिए था तो खाने पीने का भी कुछ नहीं लेना, सारा वहाँ पे ही अरेंजमेंट है, रात का है ना तो सारा अरेंजमेंट वहाँ पे हुआ है, तो कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फकत कपड़े लेके जाना है। चलो ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ। चलो ठीक है। The next day. तो भाई अभी बज रहे हैं 6 और बाबा और मैं तो रेडी हो गए, फुल ठीक ठाक रेडी हो चुके। बाकी ये है कि उन लोगों को हमने पता नहीं है, बाकी लोगों का ये बच्चे लोग तैयार हुए कि नहीं हुए, क्योंकि ये लोग ना हमेशा हर चीज में लेट, उन लोगों को पढ़ना ही होता है। अभी भी कर लोगे अपने तमाशे कुछ ना कुछ। बाप कुछ कहना चाहोगे? यार चल लो भाई, नीचे खड़े हुए इंतजार कर रहे, अच्छी बात नहीं ना किसी को इंतजार नीचे खड़ा करना, मतलब काफी देर से खड़े हुए। ये मैं भी यही कह रहा हूँ, अजीब ये लोग आते ही है। चलो बाकी नहीं छोड़ो इनको, मैं ये कह रहा था कि अब हम लोग आपको मिलते हैं नीचे जाने के बाद। पहुंच चुके हैं फार्म हाउस, तो भाई हम जो है वो आ चुके हैं फार्म हाउस पे, और यहाँ पे जो है ना कुछ यानी कबूतर और इस तरह का है ना, तो यहाँ पे देखिए चल चल निकाल के ले जाओ इसको, वाइट कबूतर से ही पलने वाले कबूतर है, बड़े प्यारे हैं कबूतर है ना, ले जाओ निकाल के, लड़ भी रहे। अरे हमें जाना है साथ में, इनको साथ में जाना है। ये देखिए नाइट स्टे है ना, तो जो है इतनी प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल नजर आ रहा है। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं नजर आ रहा, उड़ गए ना भाई, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, नहीं तो पैर में देख लेगा, तो पैर में देख लेगा। एक मुर्गा सोया हुआ है, एक मुर्गा सोया हुआ है, इकलौता हुआ है, जिसकी नींद हम खराब कर रहे हैं, घूर के देख रहे हैं। ये भी आ गए मुझे बेजार करने के लिए, नहीं है कुछ भी नीचे, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है। और आगे जो है तकरीबन पिंजरे जो है ना वो खाली भी है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे कुछ नजर तो आ रहा है, ब्लैक मुर्गा टाइप लग रहा है कुछ, जी हाँ यहाँ पे भी देखे मुर्गों की जोड़ी है। यहाँ पे भाई कपड़े भी सूख रहे, सेकेंड ये कि बच्चे भी इंजॉय कर रहे। रात का यही सीन होता है कि जो है कपड़े भी जो है एक जगह सूख रहे होते हैं, जो स्विमिंग करके जो निकले हुए होते हैं गीले कपड़े, और बच्चों का इधर एंजॉयमेंट चल रहा है। और यहाँ पे देखे अली जवान को, अली जवान अपनी ही धुन में है, एलिफेंट एलिफेंट में बैठा हुआ है। अली जवान हेलो हेलो
इंजॉय किया? हाँ। स्विमिंग की? हाँ ना। मजा आया? मजा आया। झूले में? साथ साथ में। साथ साथ में क्या? कब कब पार्टी हो रही थी? हाँ ना। ठंडी ठंडी लग रही थी? हाँ ना, बहुत 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 ठंडा था। बहुत ठंडा था पानी, फिर भी आपने स्विमिंग की? हाँ ना। बड़े पूल में की छोटे पूल में? बड़े बड़े पूल में। मजा आ रहा है आपको? मजा तो बेइंतहा आ रहा है। स्विमिंग की आपने? है स्विमिंग मैंने नहीं की भाई, अगर स्विमिंग करता तो मेरा डिस्को डांस शुरू हो जाता। जैसे अली जमान बोला था, कांप रहा था बहुत ज्यादा, बड़ा वाइब्रेट हो रहा था। बाकी ये है कि कुछ खाया वगैरह हमने अभी तक? चाय नींबू वगैरह कुछ? नींबू और चाय वगैरह खाया, अभी खाना लगेगा तो खाना भी खाएंगे। बारबेक्यू? हां बारबेक्यू। बारबेक्यू स्टार्ट हो गया? नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है, चलो ठीक है, थोड़े वॉक करते साथ में, मज़ा आ रहा है ना। ठंडी ठंडी हवा है तो ऐसे में जो है वो मज़ा आता है वॉक करने का, अपना मज़ा। और आप बार बार फ्रेम से आउट जा रहे हो। सही है। अली जान भाई, भैया को बेजार कर रहे हो, करो करो और करो, उसको उछल उछल के फाइट करो उसके साथ, जाओ पकड़ो उसको, खींचो उसको, खींचो। चलो भाई अब अपनी बारी खत्म करो, मुझे भी आना है। आप अभी रुकेगा नहीं, अब तू चल कुछ भी कर ले, अभी रुकने वाला नहीं है। The next day. तो यहाँ पे हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और रात में जो है मैं आपको फार्म हाउस का टूर नहीं दे सकी थी क्योंकि इतनी ऑब्वियसली लाइट नहीं थी, नाइट का स्टे था, लेकिन अब हो चुकी है मॉर्निंग तो आपको दे देते हैं एक जल्दी से क्विक सा फार्म हाउस टूर।
उम्मीद करती हूँ कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल पे नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे ऑल पे कर दें। ज़िंदगी रही और सेहत साथ दिया, तो मिलेंगे इसी तरह के अच्छे से इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।